जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने मंगलवार को भीलवाड़ा शहर की समस्याओं और जनता की परेशानियों से रूबरू होने के लिए तथा नगर परिषद और यूआईटी की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पूरे प्रशासनिक लवाजमे के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने शहर के विभिन्न सर्किल्स, मुख्य सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण, सड़कों के दुरुस्तीकरण, सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर मोदी ने शहर के दौरे के दौरान शहर में विभिन्न सुविधाओं व समस्याओं के बारे में मौके पर ही अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही उसकी क्रियान्विति के बारे में पूछा। जिला कलेक्टर आशीष मोदी के सामने लोगों ने भी खुलकर अपनी समस्याओं को रखा। लोगों ने साफ सफाई, लावारिस गोवंश के बाजार में घूमने, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करने, ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने, बार बार बाजार में जाम लगने, अतिक्रमण व सीवर के कार्य आदि में लापरवाही की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान के निर्देश दिए। आज यूआईटी की टीम के साथ सिटी शहर में अभी ठंड बढ़ रही है तो रैन बसरी की व्यवस्था करनी है और कोई भी व्यक्ति रोड पर न सोए इसके लिए यूआईटी नगर परिषद की टीम को रक्षा किया गया है, इसके द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है। ऐसे रैन बसरे में रहने वाले लोगों के लिए इंदिरा रसोई में भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही कुछ जो शिकायतें यहाँ पर रोड के कुछ पैचेस के टूटे हुए उनका इंस्पेक्शन किया गया, संबंधित अधिकारियों को रोड ठीक कराने और जो अतिक्रमण है उनको हटाए जाने के लिए प्रक्रिया अनुसार पूरी प्रक्रिया पूर्ण करके अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिया। इस प्रकार से सर आपको निरीक्षण होगा, सड़क पर भी नेहरू रोड शहर की बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक निकलता है और कुछ टेम्पररी अतिक्रमण किए हुए हैं उनको नोटिस दिया जा करके हटाया जाएगा। साथ ही कुछ ऐसे पैचेस हैं जहाँ पर पैच रिपेयर वर्क की जरूरत है तो वो करा करके इसको सर अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए कुछ नई समाधान अतिक्रमण नियमित रूप से लोग करते हैं उनको पाबंद किया जाएगा और जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी होते हैं जो रिपीटेड ऑफेंडर्स कहते हैं उनको 1-2 साल में पाबंद करके अगर जरूरत पड़ा तो कारावास कर सकते हैं। सर हॉस्पिटल में बेसमेंट में पार्किंग की जगह वैसे ही गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या करें आप हॉस्पिटल के अंदर जो बेसमेंट है उसमें वैसे ही गतिविधियाँ चल रही है सर, चेक कर पार्किंग।